वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। एक्चुअली यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। पहले मैंने लिटरली सोचा घर पे बैठ कर ही वीडियो कर लेते, मेरा दिल नहीं था, मैं ज़्यादा बाहर अब जा नहीं रहा, घर पर ही रहता हूँ, है ना। कोजी इन्वायरमेंट होता है, हीटर लगे हैं, अपना कंबल रजाई में आराम से बैठो, नेटफ्लिक्स देखो, अमेजोन देखो, मैच देखो, अपना चिल करो, बाकी काम करो, है ना। काम भी करना है, काम नहीं करोगे तो कैसे खाओगे ना। काम वर्क तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा दिल था बट मैं आ गया वॉक करने के लिए। अभी मानोगे इस टाइम पे अभी 1:30 PM हुए हैं, 1:30 बजा अभी UK में जो टाइम है इस टाइम पे, और आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे अभी शाम के 6-7 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है पिछले लास्ट वीक से ही। तो अभी दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा और हल्की हल्की सी बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही है अभी। तो मैंने घर पे, आपको पता ही मेरा दिल नहीं करता, चलो आज की जो वीडियो है ना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ना, आज ये वीडियो देख लेना भाई, आपको सारे आपके डाउट निकल जाएंगे। मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, है ना। आपको जैसे पता ही है कि मैं UK का स्टडी वीज़ा कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट UK आना चाहते हैं, मई टेक अभी मिलेगा आपको, तो आप प्लीज़ फॉर्म फिल कर सकते हो जो मैंने दिया हुआ है ना। अगर आपका जनवरी टेक नहीं हो पाया तो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट है जिनका भी सब कुछ हो चुका है। अभी कैश लेटर भी आया एक स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर से, कल रात को मुझे मैसेज आया तो बहुत अच्छा लगा, है ना। कैश लेटर आने का मतलब वीज़ा आ गया। तो मैं ट्राई करूँगा स्टूडेंट को वीडियो में लेकर आऊँगा, उसने मेरे थ्रू प्रोसीड किया था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कपल हैं जिनके आने हैं वीज़े, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा ऑलमोस्ट सबका काम। तो खैर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अब ऑस्ट्रेलिया का भी स्टडी वीज़ा करना चाहता है ना, तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बट वही कांटेक्ट करना, मैं बताऊंगा मेरे को कौन सी प्रोफाइल चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा, कितने आपके फंड्स चाहिए, कितने पुराने होने चाहिए। तो आज इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करनी है। देखो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस भाई UK से कंपेयर करूँ ना मैं, बहुत ही अलग है। साथ में मैं आपको UK का भी बता दूंगा बीच बीच में। ऑस्ट्रेलिया में जो हमें फंड्स चाहिए, देखो वो 6 महीने पुराने चाहिए, ठीक है। और जो UK में फंड्स चाहिए होते हैं सबको पता है 28 दिन पुराने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फंड्स हैं कितने चाहिए अपने को ऑस्ट्रेलिया में, और क्या कौन शो कर सकता है, किस रूप में होने चाहिए आपके फंड्स। देखो आपकी FD चल जाएगी, एजुकेशन लोन चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने, आपके घर वालों ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। गोल्ड पे लोन लिया है कुछ, वो नहीं चलेगा आपका, ठीक है। सेविंग्स में वैसे FD और आपके जो भी मैंने आपको एजुकेशन लोन बताया, तो ये 3 है जो आप शो कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि कौन शो कर सकता है, ठीक है। ये देखो जो ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल आती है ना भाई, आप अपने एजेंट से अप्लाई करते हो, वो रिफ्यूज़ल पता क्यों आती है, वो फंड्स का इशू हो जाता है। आपने ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं किए होते फंड्स, और आपने ठीक तरीके से उसे शो नहीं किया होता, तो वहाँ से ही आपकी जो COE है, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, वो नहीं आती, वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आगे इशू हो जाता है। हाँ तो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि फंड्स अभी कौन कौन शो कर सकता है। देखो आपके मम्मी पापा कर सकते हैं, नाना नानी, दादा दादी, है ना, ये जितने भी आपके हैं क्लोज इमीडिएट फैमिली मेंबर, ये तो आपके फंड शो कर सकते हैं। बाकी अगर आपका ब्रदर सिस्टर है वो मैरिड नहीं है, है ना, तो वो भी शो कर सकता है आपके लिए फंड्स। तो यहाँ पे फंड्स कितने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ वो भी। बाकी आपका चाचा हो वो भी आपका फंड्स शो कर सकते हैं, मामा भी शो कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको फंड्स का बताया कौन कौन शो कर सकता है, बट ट्राई करो कि अगर आपने शो करने हैं तो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हो तो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें ये है कि जो आपके मॉम डैड हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा आपको। अगर वो शो करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। स्पॉन्सर लेटर चाहिए होगा ना उनका, FD जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए, ठीक है। अभी बात आती है मेन की कितने शो करने हैं। देखो जो ऑस्ट्रेलिया में लिविंग एक्सपेंस दिखाने होते हैं, चाहे आप कोई डिप्लोमा लो, चाहे आप मास्टर करो, चाहे आप बैचलर करो, आपको भाई $21,000 के अराउंड जो है लिविंग एक्सपेंस आपको दिखाना पड़ेगा। $21,000 है ना, इतना आपको चाहिए दिखाने के लिए। अब ये बन जाते हैं आपके 11.5-11.5 लाख बन जाता है भाई। UK का भी सेम ही है, आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है वो 6 महीने पुराने होने चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। बाकी आपकी ITR चाहिए होगी मेरे को, ITR आपकी 2 साल की होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं भी है तो भाई ITR ज़रूर आप करवा लो, बैक डेट में हो जाती है इस साल की, और अभी जो नेक्स्ट ईयर आएगा अप्रैल में आपको पता है ITR वगैरह का काम होगा, तो ITR अपनी ज़रूर आप करवा के रखो भाई। ये 2 मिनट का काम है,
ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता इसमें, तो ITR बहुत आपके काम आएगी, तो ये आप मिस मत करो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हो। UK में कुछ नहीं चाहिए ITR वगैरह का, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी फंड्स का बताया, अभी बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाना है। अगर आपके प्लस टू में 60% से ऊपर हैं, ठीक है, करवा देंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में, गैप ना हो ज़्यादा, ठीक है, डिप्लोमा किया हो उसके बाद चल जाएगा प्लस टू के बाद, है ना। अगर गैप है तो कोई वर्क एक्सपीरियंस चलेगा आपका, बट ज़्यादा गैप ना हो प्लस टू के बाद तो बेटर है, ठीक है। 60% से ऊपर हो, IELTS आपकी चाहिए या PT या IELTS, अच्छे स्कोर हो, ओवरऑल 6। गाइस बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे भाई, मैं बैठ ही गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं तो मैं नहीं चाहता आप लोग इंटरप्ट हो, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और ठंड भी है, बारिश भी बीच बीच में हो रही है। तो खैर मैं वीडियो आपको ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ, अभी हम बात कर रहे थे फंड्स की, है ना, और अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि 60% हो, ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5.5। यहाँ पे एक पॉइंट है कि मेरे को आप प्लस टू वाले पूछते कि हमारा जो स्पाउस है साथ में जा सकता है, भाई UK की तरह है, बिल्कुल नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया और UK में प्लस टू के बाद स्पाउस नहीं आ सकता अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए आ रहे हो तो भाई स्पाउस साथ में जा सकता है, सेम UK की तरह है, ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो ये बेटर है। और रही बात फंड्स की, आपको ऑलमोस्ट भाई जो मैं आपको राउंड फिगर बताऊं तो 25-26 लाख आपको दिखाना पड़ता है, जो यहाँ पे एवरेज ट्यूशन फीस है बैचलर डिग्री की, वो आप लगा के चलो कि 12 से 15 लाख होती है एक साल की, ठीक है, बैचलर डिग्री बता रहा हूँ। अगर आप इधर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए आते हो तो 12 से 15 लाख आपकी फ़ीस हो गई, और 11 लाख आपके कितने क्या हुआ लिविंग एक्सपेंस एक साल का, तो कितना हो गया 25 लाख के अराउंड हो जाता है। अपने राउंड फिगर लेकर चलो, हर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस टू डिपेंड करती है ना, अगर आप किसी लाइक रीजनल एरिया में जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत कम भी है, स्कॉलरशिप भी मिलता है, वो डिपेंड करता है किस रीजन में जा रहे हो। तो वो जब आप एप्लीकेशन करोगे, वो फॉर्म फिल करोगे, आपकी प्रोफाइल देखूंगा, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी होगी, जिसमें आप एलिजिबल रहोगे, मैं आपको बता दूंगा कि भाई तेरा इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में तेरा हो जाएगा, है ना। तो वो सब बात की बातें, मैं जस्ट आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। अभी मास्टर की जो फीस है वो भी 15 लाख के अराउंड है, 15 से 17 लाख 20 लाख तक जा सकती है, जो एवरेज 15 लाख ही चलती है, 15 से 17 लाख साल की फ़ीस प्रोग्राम की। मास्टर डिग्री यहाँ पे 2 साल की है, और UK में मास्टर डिग्री आपको पता है 1 साल की है, तो ये डिफरेंस है। अभी थोड़ा सा आगे प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो आपको भाई चाहिए ही चाहिए, ओवरसीज़ हेल्थ कवर आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्टेंस नहीं देनी, आपको CEO नहीं मिलेगा और वीज़ा भी आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। UK में भी आपको पता, अगर आप स्टडी करने आते हो तो यहाँ पे भी भाई हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, वो आपका जो होता है यहाँ पे जो आपको पता है 600-700 के अराउंड है एक साल की हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, 700 ही लगा लो आप। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में है कि ऑस्ट्रेलिया में कम है, $620 है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, डॉलर भाई 55 का चल रहा है, और पाउंड सीधा डबल ही है ना, 95 का चल रहा है। तो ये दिमाग में रखो कि 600 आपका कितना हुआ, अगर आप 2 साल की मास्टर डिग्री करने आ रहे हो तो आपको अराउंड 1300 के अराउंड आपको दिखाना पड़ेगा, आपका जो हेल्थ कवर होगा वो आपका मेडिकल सब कवर होता है, तो वो दिखाना पड़ेगा। एक यहाँ पे एक पॉइंट है कि रिटर्न टिकट भी दिखानी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए कि आप स्टडी करके वापस जाओगे, वो $2000 आप उसका भी लेकर चलो, ठीक है, $2000 कितना हो गया, 1 लाख के अराउंड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके फंड्स हो गए, है ना, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अभी कोई डाउट हुआ फिर भी कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट में आपको बता दूंगा जो भी आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आगे प्रोसेस की बात करें, ग्रेजुएशन में भी सेम है, मेरे को मैक्सिमम देखो आपकी 70% हो, 60% हो, बढ़िया, अगर किसी की 50% है ना लास्ट ग्रेजुएशन में तो भाई कर सकते हैं अप्लाई, है ना, कुछ है यूनिवर्सिटी जिसमें आपका हो जाएगा, तो 50 से अगर किसी के कम है तो भाई मैं नहीं फाइल दूंगा आपकी, ट्राई करो कि ज़्यादा अच्छे हों स्कोर आपके तो ही आप फॉर्म फिल करना, भाई 50 से कम वाले प्लीज़ फॉर्म फिल मत करना। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको IELTS रिक्वायरमेंट कितनी है। भाई मैं चला वापस, एकदम से बारिश होने लगी है यहाँ पे, अभी थोड़ी कम हुई है तो मैं बीच में रुक गया था। अभी मैं बात कर रहा था कि आपको देखो जो IELTS रिक्वायरमेंट है ना भाई सेम है, UK में भी वही चाहिए आपको, वहाँ भी वही चाहिए, PT भी चल जाता है। तो मास्टर के लिए आपको 6.5 चाहिए, बैचलर के लिए ओवरऑल 6 चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 मैंने आपको बता दिया, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। बाकी अभी बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा ना, क्या है, मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आगे, मतलब फर्दर क्या होगा अगर आप एप्लीकेशन करते हो। तो ऑस्ट्रेलिया का सीन ऐसे है कि जैसे हम आपकी एप्लीकेशन डालेंगे यूनिवर्सिटी में,
सबसे पहले आपका आएगा कंडीशनल ऑफर लेटर, है ना, कंडीशनली आएगा पहले। तो उसमें आपकी दो रिक्वायरमेंट्स होगी, एक तो फंड्स, आपने अपने जो फंड्स जो मैंने आपको पीछे बताया टोटल अमाउंट बताई कि एवरेज बताया आपकी 25-26 लाख, है ना, तो वो आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके 6 महीने पुराने होने चाहिए, जो कि 11 लाख के अराउंड मैंने बताया आपको वो। और आपका जीटीई होता है जनरल टेम्परेरी एंट्रेंट, है ना, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देखते हैं, आपका कोर्स देखते हैं कि रेलेवेंट है कि नहीं, अगर उनको डाउट है आपकी डिग्री पे कुछ है तो वो आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो जीटीई का मतलब ये जीटीई प्लस फंड्स, तो ये आपका मेन पॉइंट भाई यही है। अगर यही आपका यहाँ पे क्लियर हो गया ना, ये चीज़ आपकी उन्होंने पास कर दी, तो फिर आपको एक सीईओ इशू हो जाता है। तो सीईओ बताते क्या होता है, सीईओ कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, ठीक है, इनरोलमेंट यहाँ पे इसको कैश बोलते हैं, कैश लेटर आ गया, वीज़ा आ गया ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी ऐसे ही है, कन्फर्मेशन, है ना, उसकी भी सेम ही है सीईओ जो अभी मैंने आपको बताया, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो वो जब आपका आ जाता है तो उसके बाद आपने फ़ीस भरनी है, ठीक है। और बड़ी बात देखो ये है कि यहाँ पे आप 6 महीने की फ़ीस भर के जा सकते हो भाई, जो टोटल खर्चा आता है ना ऑस्ट्रेलिया का इतना ही आता है, 7-8 लाख अगर आप सेमेस्टर की फ़ीस भर के जा रहे हो, ठीक। कैनेडा में जैसे आपको GIC दिखाना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, तो आपको पता 15-16 लाख तक लग जाता है। और अगर मैं कंपेयर करूं यूके और ऑस्ट्रेलिया का, तो मुझे लगता है कि पॉइंट्स आलमोस्ट इनके जो खर्चा है जो सारा कुछ है वो सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया में वेजेस बहुत अच्छी हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, जैसे आपने फ़ीस डिपॉजिट की है ना, उसके बाद आपकी हाई कमीशन में हम जो आगे फाइल लगाएंगे, है ना, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब, तो आगे का प्रोसेस सिंपल है, सभी कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। तो ये एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस मैंने आपको बताया फंड्स का, और आपको जो CEO आपका आ जाता है ना उसके बाद आपका काम हो जाएगा, वीज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट भाई अगर करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया का, तो फेब इनटेक अवेलेबल है अभी February 2023, अगर आप करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी, तो प्लीज़ वो फॉर्म फिल करना, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन वाला जो मैंने डाला हुआ है, तो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ अपलोड करना ताकि पता लगे। तो जैसे भी अगर आप एलिजिबल हुए तो आपका करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार मैं चला वापस, मैं सच बताऊं ठंड लग रही है मेरे को बहुत, देख लो थोड़ा सा इधर का व्यू। ऑस्ट्रेलिया में एक है कि वेदर अच्छा है हाँ ये तो है कि अपने जो वहाँ का क्लाइमेट है, मतलब जब इंडिया में ठंड होती है ना तो वहाँ पे गर्मी होती है, जब वहाँ पे गर्मी होती है ना तो इंडिया में ठंड होती है उस टाइम पे, बाकी सब कुछ सेम है, क्लाइमेट सेम है, टेम्परेचर उतना ही जाता है। यूके में तो आपको पता ही है भाई, सारा साल ठंडा रहता है यहाँ पे ऑलमोस्ट, और ऐसे ही रहता है। ये बहुत डिप्रेसिंग सा है क्योंकि धूप नहीं निकलती, धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो खैर गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मुझे लगता है मैंने हर एक चीज़ कवर कर दी, अगर फिर भी कुछ लगा आपको तो आप प्लीज़ कर देना कमेंट, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखो भाई, जितना टाइम हो एंजॉय करो, टेक केयर, बाय बाय।